हेलो फ्रेंड्स बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में आज हम देखेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ओके okay? तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है कैसे ड्रॉ होता है वो सब आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे ओके okay? तो सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसे कहते हैं तो ऑर्थो मीन्स राइट एंगल ऑर्थो मीन्स राइट एंगल एंड ऑर्थोग्राफिक मीन्स राइट एंगल ड्राॅइंग ओके okay? तो हम क्या कहेंगे इसको वेन द प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन विच द प्रोजेक्शन इज ऑप्टेन इट इज नोन एज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ओके तो ये प्रोजेक्टर्स क्या होता है प्रोजेक्शन प्लेन क्या है ऑब्जर्वर क्या होता है वो सब अभी हम देखेंगे तो इसको क्या बोला गया है कि वेन द प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू obtained, ऑन which द प्रोजेक्शन ऑन obtained द प्रोजेक्शन प्लेन है वो okay, तो प्रोजेक्शन प्लेन को होते है, okay, तो भी projectors होते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ओके तो अभी हम देखते हैं ओके ये समझ लो तो ये हमारा जो है ये ब्लैक कलर से जो ड्रॉ किया हुआ है ये ब्लैक कलर वाला ओके ये ये हमारा है प्रोजेक्शन प्लेन जो हमारा वर्टिकल प्लेन है ओके ये हमारा है प्रोजेक्शन प्लेन ओके क्या कहेंगे इसे हम प्रोजेक्शन प्लेन ओके ये हमारा वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लेन है ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओके और यहां पे ऑब्जर्वर मीन जो इस ऑब्जेक्ट को तो देख रहा है वो यहां पे है ओके तो यहां से जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर जो है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होता है मतलब बहुत दूर होता है ऑब्जेक्ट से बहुत दूर होता है इन्फिनिटी डिस्टेंस ओके तो ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होने के कारण जब ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ये रेस जो है ओके ये रेस जो है वो ये प्रोजेक्शन प्लेन एर ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर जाएंगा और एक दूसरे को पैरेलल होंगे ओके ये रेस जो है वो जब ये ऑब्जर्वर देखेगा ऑब्जेक्ट को तो जब रेस पास होगी वो ये जो ऑब्जेक्ट है उसको परपेंडिकुलर होगा और जो भी रेस होंगे वो एक दूसरे को क्या होगा पैरेलल। और इसे क्या कहेंगे हम यहां से जो है वो प्रोजेक्शन होके हमारा प्रोजेक्शन प्लेन पे प्रोजेक्ट हो रहा है तो ये हम सामने से देखेंगे तो ये जो इसका फ्रंट व्यू है ये हमें इस तरह से देखेगा प्रोजेक्शन प्लेन पे तो ये जो लाइन पास हो रही है यहां से उसको क्या कहेंगे हम प्रोजेक्टर्स ओके okay? इसको क्या कहेंगे प्रोजेक्टर्स तो हमने अभी डेफिनेशन क्या देखा वेन द प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन विथ द प्रोजेक्शन इज ऑप्टेन तो इस प्लेन पे हमको प्रोजेक्शन मिला हुआ है इस ऑब्जेक्ट का तो जिस प्लेन पे प्रोजेक्शन मिल रहा है ऑब्जेक्ट का उस प्लेन को ये प्रोजेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होने चाहिए तो ये परपेंडिकुलर है ओके ठीक है लेकिन एक चीज याद रखनी है कि इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर जो है वो इंफिनेट डिस्टेंस पे होता है तो हमको इस तरह से ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये वर्टिकल प्लेन में हमको इस तरह से इसका व्यू दिखाई देगा फ्रंट व्यू क्लियर तो इस तरह से अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें टॉप व्यू दिखाई देगा साइड से देखेंगे तो साइड व्यू दिखाई देगा ओके okay? तो यह है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अभी इसको हम ऐसा भी, okay? भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है आइसोमेट्रिक ओके ये जो है आइसोमेट्रिक ड्राइंग है आइसोमेट्रिक व्यू व्यू भी बोल सकते हैं हम आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग या तो फिर इसको हम थ्री डी भी बोल सकते हैं थ्री थ्री डी ड्राॅइंग क्यू क्योंकि इसमें हमको थ्री डायमेंशनल दिखाई देते हैं एक तो एक लेंथ हाइट एंड विथ ओके तो ये जो थ्री डी व्यू है आइसोमेट्रिक व्यू है उसको हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में कन्वर्ट करेंगे तो उस, उसमें हमें सिर्फ दो डायमेंशन ही दिखाएंगे डिफरेंट डिफरेंट व्यू आएंगे फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू ओके लेकिन सभी व्यू में हमको सिर्फ दो डायमेंशन ही दिखाई देंगे सपोज कि हमारा फ्रंट व्यू है तो उसमें लेंथ एंड हाइट आएंगे अगर टॉप व्यू आएगा तो लेंथ एंड वीथ आएगी ओके इस तरह से सिर्फ टू डायमेंशनल व्यू ही दिखाई देंगे तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है उसको हम टू डी व्यू भी बोल सकते हैं टू डी प्रोजेक्शन ओके इसका मतलब थ्री डी व्यू को हमें टू डी व्यू में कन्वर्ट करना है थ्री डायमेंशनल व्यू जो है उसको हमें टू डायमेंशनल व्यू में कन्वर्ट करना है ओके तो ये समझ में आ गया सिर्फ बेसिक समझने के लिए ये है तो नेक्स्ट अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ये सिंबल भी आपको याद रखना है और उसका डिफरेंस जो है वो याद रखना है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होगा तो उसके लिए एक ड्राइंग में आपको बताता हूँ उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड समझने के लिए आपको ये ड्राइंग समझना होगा ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है वर्टिकल प्लेन है वो क्वाड्रेंट चार क्वाड्रेंट बना रहे हैं ओके तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जर्वर यही से देखेगा ओके यहाँ पे हमारा सपोज के ऑब्जेक्ट है ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है इसका मतलब ये हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है यहाँ पे ऑब्जर्वर है और बीच में ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें अगर हमारा ऑब्जेक्ट आता है तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड इसका मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा फर्स्ट क्वार्टरन में रहता है ओके अबो एचपी ऑन और अबो एचपी और थर्ड एंगल क्वाड्रन जो होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड होता है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रन में रहता है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा ओके okay, ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा फ्रंट व्यू के लिए ओके okay? तो इसका मतलब अगर फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन लेंगे हम यहाँ से तो ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के बीच में प्रोजेक्शन प्लेन आ रहा है यहाँ पे ऑब्जर्वर एंड प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट है ठीक है तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक अलग से आपको बताता हूँ ये हमारा इस तरह से होगा फर्स्ट अंग्रे प्रोजेक्शन मेथड है तो ये हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है ओके प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये ऑब्जर्वर है जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है और ऑब्जेक्ट इसका मतलब प्रोजेक्शन प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच में क्या आएगा प्रोजेक्शन प्लेन यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है या ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्शन प्लेन होता है ओके तो यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है उसका प्रोजेक्शन प्लेन पे आएगा इस तरह से ओके और ये जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बीच में होता है तो यहाँ से जो प्रोजेक्शन आएगा वो प्रोजेक्शन प्लेन पे इस तरह से जाएगा ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है और ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है ओके तो अभी ये जो उसका डिफरेंस जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और यहां पे क्या होगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर ओके सेकेंड वन टॉप यू कम्स बिलो फ्रंट यू तो जब हम Uh, उसका व्यू ड्रॉ करेंगे तब इसका जो टॉप व्यू होगा इसमें टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू यह सब व्यू आएंगे जो टॉप व्यू होगा वो टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे ड्रॉ होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ओके जो टॉप व्यू होगा वो फ्रंट व्यू के नीचे ड्रॉ होगा क्यों क्योंकि अगर यहाँ पे आप फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में देखोगे तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्शन आएगा ओके okay, तो ये हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पे आएगा ठीक है यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा फ्रंट व्यू आएगा फिर अगर ऊपर से देखते हैं हम तो टॉप व्यू हमारा यहाँ पे आएगा ओके फिर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये हमारा एक्स वाई के रेफरेंस में फ्रंट व्यू ऊपर है और टॉप व्यू नीचे चला जाएगा ओके तो क्या होगा टॉप व्यू कम्स बिलो फ्रंट व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोलिए तो थर्ड एंगल का अगर देखेंगे हम तो ये हमारा फ्रंट व्यू यहां पे है वर्टिकल प्लेन पे यहाँ से हम देखेंगे तो टॉप व्यू के लिए ऊपर से देखेंगे उसका प्रोजेक्शन यहां पे आएगा ओके फिर इसको रोटेट करेंगे तो टॉप यू कहाँ चला गया ऊपर चला जाएगा एक्स वाई के रेफरेंस में तो टॉप यू कम्स अबो फ्रंट यू ओके मतलब अपोजिट साइड पे होगा ये फर्स्ट एंगल में अपोजिट साइड होगा थर्ड एंगल में जहां पे देखते हैं वहीं से वहां पे हमको ड्रॉ करना होगा ऊपर से देख रहे हैं तो फ्रंट यू के ऊपर ही हमारा टॉप यू आएगा यहाँ पे फ्रंट यू के नीचे हमारा टॉप यू आएगा ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन और अबो एचपी फर्स्ट एंगल में आप देख सकते हो यहाँ पे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड मतलब फर्स्ट क्वार्टर में आएगा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑन और अबो एच पी अगर एचपी प्लेन पे या तो ऊपर अबो उस उसपे हम ऑब्जेक्ट लोकेट करेंगे और थर्ड एंगल में तो ये जो है ये एचपी के नीचे है और ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल होगा ठीक है ये हमारे नीचे की ओर ग्राउंड लेवल होगा तो क्या बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन और अबो द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के ऊपर और ग्राउंड पे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट सिचुएट कर रहे हैं क्लियर या तो फिर एचपी के नीचे भी हम बोल सकते हैं ओके तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट एंगल ऑथोग्राफ प्रोजेक्शन का अभी इसका सिंबल जो है वो इस तरह से आएगा ये सिंबल्स बाद में समझाऊंगा क्योंकि तो इसके लिए आपको आ, उसका पूरा वो समझना पड़ेगा तो अच्छे से याद रहेगा ओके ये हमारा सपोज कि ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है और ये फ्रंट यू है ये फ्रंट ये एल एच एस यू अगर यहाँ से हम देखते हैं तो ये पूरा सर्कल दिखाई देगा ये बड़ा सर्कल तो बड़ा सर्कल छोटा सर्कल ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया अभी फ्रंट यू के लेफ्ट हैंड साइड यू जो फ्रंट के राइट साइड पे ड्रो किया हमने ये हमारा फ्रंट यू है फ्रंट यू के राइट साइड पे ड्रॉ किया है हमने ओके तो ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड हो गया अभी लेफ्ट हैंड साइड यू यहां से हम देख रहे हैं इसको ये फ्रंट यू ये लेफ्ट हैंड साइड यू अगर लेफ्ट हैंड साइड यू हम फ्रंट व्यू का लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करते हैं तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड हो गया ओके तो ये जो है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अभी इसको जो रूल्स है उसका वो समझ लेते हैं और व्यूज कहाँ पे ड्रॉ होंगे वो हम समझ लेते हैं ओके तो उसके रूल्स जो है वो आप देख लो जब भी हम ड्रॉ uh, करेंगे तब यह रूल्स आपको पता होना चाहिए द टॉप यू एंड फ्रंट यू आर ऑलवेज इन लाइन वर्टिकली तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं ये फर्स्ट थिंग जब आप ड्रॉ करोगे तब उसका पोजिशन कैसे रखोगे तो हमारा फ्रंट यू को रेफरेंस लेना है हमको फ्रंट यू को रेफरेंस लेंगे ओके okay, और उसके रेफरेंस में ही हम सारे व्यू ड्रॉ करेंगे तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है तो फ्रंट यू पहले ड्रॉ कर लेना है देख के ओके okay, उसके रेफरेंस से बाकी के व्यू ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट व्यू ड्रॉ हो जाए उसके बाद टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे फर्स्ट एंगल में तो नीचे की ओर ओके okay, बॉटम व्यू कहाँ जाएगा तो फ्रंट व्यू के ऊपर ओके okay, इसका मतलब टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू जो है वो फ्रंट व्यू के वर्टिकल लाइन में आएगा एक ही लाइन में वर्टिकली ओके okay, तो यही यहां पे आपको बताया गया है देखो तो टॉप व्यू फ्रंट यू आर ऑलवेज इन अर्टिकल ऑलवेज इन अ लाइन वर्टिकल ऐसे ही जो साइड यू है वो साइड यू लाइन होरिजेंटल ओके द फ्रंट यू एंड साइड यू आर ऑलवेज इन लाइन होरिजेंटल ओके तो साइड यू जो है राइट एंड साइड यू फ्रंट यू के लेफ्ट साइड पे ड्रो किया हमने फिर लेफ्ट एंड साइड यू जो होता है वो फ्रंट यू के राइट right साइड पे हमने ये लेफ्ट एंड साइड यू फ्रंट यू के राइट साइड पर ड्रो करना है फर्स्ट एंगल में ओके okay? तो इन शॉर्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हम जहां से व्यू देख रहे हैं उसके अपोजिट साइड पे फ्रंट व्यू के अपोजिट साइड पे उसको हमें ड्रॉ करना है ओके टॉप व्यू हम ऊपर से देखेंगे तो उसको फ्रंट व्यू के नीचे ड्रॉ करना है बॉटम व्यू के लिए नीचे से देखना होगा तो उसको फ्रंट व्यू के ऊपर ड्रॉ करना है ओके okay? राइट हैंड साइड व्यू यहाँ से देखेंगे हम राइट हैंड साइड व्यू ड्रो करने के लिए तो उसको फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करना है लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ से देखेंगे तो उसको फ्रंट व्यू के राइट साइड पे ड्रॉ करना है और रियर व्यू ऑलवेज फ्रंट व्यू के लाइन में ही आएगा लास्ट में ओके तो टॉप तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होगा तो उसका रिवर्स होगा हम जहाँ से देख रहे हैं वहीं पे उसका व्यू ड्रॉ करना है पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लेना है ओके उसके बाद टॉप व्यू के लिए हम ऊपर से देखेंगे तो वो फ्रंट व्यू के ऊपर ही आएगा क्यों क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं तो टॉप व्यू ऊपर ही आएगा बॉटम व्यू नीचे ही आएगा साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड पर ही आएगा और राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड पर ही आएगा रियर व्यू तो लास्ट में ही आएगा ओके okay, तो इस पोजिशन से हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस करने हैं क्लियर चलो ईच व्यू गिव्स टू डायमेंशन हर एक व्यू जो है वो हमें दो डायमेंशन देगा ये फ्रंट व्यू और रियर व्यू उसका डायमेंशन सेम रहेगा फ्रंट एंड हाइट हमको दिखाई देगा फ्रंट व्यू में रियर व्यू में भी हाइट दिखाई देगा टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू में सेम टॉप व्यू में लेंथ एंड विथ बॉटम व्यू में भी दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड यू राइट हैंड साइड यू उसमें भी लेफ्ट हैंड लेफ्टू में हाइट एंड विथ और राइट हैंड साइड में भी हाइट एंड विथ हमको दिखाई देगी ओके इफ अ सरफेस इज पैरल टू प्लेन इट्स प्रोजेक्शन ऑन डेट प्लेन विल शो इट्स ट्रू शेप एंड साइज अगर सरफेस जो है वो प्लेन को पैरल है तो उसका प्रोजेक्शन जो है वो आ, उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो हमें ट्रू शेप और साइज ट्रू शेप एंड साइज हमको दिखाई देगी प्रोजेक्शन में ओके okay, अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंस ऑफ लाइंस जो भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं लाइन हमारी एक तो फुल लाइन है डैश लाइन है सेंटर लाइन है ओके okay? तो जब भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे तो इसको हमें पता होना चाहिए कि हमको कौन से लाइन को पहले प्रेफरेंस देना है अगर ये दो लाइन साथ में आती हो तो डैश लाइन ड्रॉ करनी है या फुल लाइन ड्रॉ करनी है उसके लिए ये दो पॉइंट है और फुल लाइन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर अ डैस और एनी अदर लाइन मतलब अगर फुल लाइन और दूसरी कोई लाइन एक ही लाइन में आती हो एक ही लाइन में सपोज के ये डैश लाइन है फिर सेंट्रल लाइन है और फुल लाइन है ये एक ही लाइन पे अगर आती हो तो हमको फुल लाइन को पहले प्रेफरेंस देना है वहाँ पे हमको फुल लाइन ड्रो करना है ओके ये दो लाइन ड्रो नहीं करनी फुल लाइन ड्रो करनी क्योंकि वह कोइनसाइड हो जाएगी ऐसे ही अगर डैश डैश लाइन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर तो है सेंट्रल लाइन अगर सेंट्रल लाइन और डैश लाइन कोई इन साइड होती है तो हमको को, किसको प्रेफरेंस देना है डैश लाइन को वहां पे हम डैश लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे ओके तो ये भी हमको याद रखना है क्लियर ओके तो ये उसका प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंस ऑफ लाइंस ये पोजीशन हमको याद रखनी है ठीक है अभी एक सिंपल ऑब्जेक्ट लेके हम डिसाइड करेंगे के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ होता है ओके okay?